कि अगर आपको महाभारत का कोई पात्र बनना पड़े तो कौन सा पात्र बनना पसंद करोगे? कौन सा पात्र, कौन सा कैरेक्टर, कौन सा चरित्र आपको लगता है कि मैं वो बन जाऊं, मैं अर्जुन बन जाऊं, मैं द्रौपदी बन जाऊं, मैं कुंती बन जाऊं, क्या बनना पसंद करोगे? तो भक्त ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं महाभारत का वो घोड़ा बनना पसंद करूंगा जिसकी लगाम श्री कृष्ण के हाथ में थी। वो जिधर लेकर के जाता था वो अश्व, वो घोड़ा उधर ही चलता था। जिस रथ पर श्री कृष्ण विराजमान हो, सारथी बन करके वो चलाए और मैं उसके चलाने से चलता रहूं। वो जिधर लेकर जाए मैं उसके इशारे पर नाचता रहूं। आज तक संसार के इशारों पर नाचा, लेकिन अब मैं वो बन जाऊं जो तू कहे और मैं वो करूं। ये विश्वास मन में हृदय में जागना ही भक्ति है। मैंने कल भी कहा था, हम सब हमेशा भगवान से उनकी कृपा मांगते हैं, लेकिन भगवान की कृपा संसार की प्राप्ति हो जाना कृपा नहीं है। भगवान की कृपा ये है कि भगवान को छोड़कर के कोई वस्तु संसार में अच्छी ही न लगे। जहां भी रहें लेकिन उनका स्मरण, उनकी याद हृदय में सदैव बनी रहे। एक भक्त भगवान से मांगता है कि हे प्रभु, बस एक कृपा मेरे ऊपर करना। वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक वरदान एक तेरी कृपा बनी रहे जब तक। उसकी कृपा हुई तो क्या होगा? तब भक्त कहता है प्रभु, जिस पर प्रभु का हाथ हो वो पार हो गया।
जिसको भरोसा शाम पर डूबा कभी कहता है कि लोग सोचते हैं, लोग पूछते हैं, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरी किस्मत कैसी होगी। लेकिन एक वैष्णव कहता है, मुझे पता है, मुझे सुबह उठकर के भविष्य फल राशि फल देखने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा दिन कैसा जाएगा। मैं बस अपने कान्हा को मुस्कुराता हुआ देख लेता हूँ और समझ जाता हूँ कि मेरी किस्मत बुलंद है, मेरा भाग्य बुलंद है। क्योंकि कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी उसके ही हाथ है। कर ले यकीन कि अब तेरा ज्यादा ऐसे दया निधान से रिश्ता निभाए, मिलता रहेगा दास को जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। भक्ति में चमत्कार की आशा करनी नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति चमत्कार करती है। विश्वास चमत्कार करता है। और पांडवों की गाथा वो सबसे बड़ा चमत्कार था कि श्री कृष्ण चरणों का आश्रय प्राप्त करके ऐसा युद्ध जीता जो असंभव था। उस असंभव को भी भगवान के विश्वास ने संभव कर दिया भक्ति के कारण।